हेलो श्रमी शाला फैमिली, आज हम जानेंगे एक ऐसे आईटीआई कैंडिडेट की स्टोरी जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव से की थी और आज वो दिल्ली एनसीआर जैसे बड़ी सिटी में जॉब कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे कैंडिडेट से, मिस्टर संजय सर। हेलो संजय, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ सर। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर, अभी मैं दिल्ली में रिपेयर अड्डा कंपनी में फील्ड टेक्नीशियन का काम करता हूँ। जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे कि लोगों के फ्रिज, कूलर, टीवी खराब हो जाते हैं तो कोई भी कस्टमर ऑनलाइन अपने मोबाइल से डायरेक्ट बुकिंग कर सकते हैं, जिन्हें हम ठीक करके वापस आते हैं सर। जी, और सर अगर बात करें मेरी जर्नी के बारे में, तो 12th के बाद मैंने आईटीआई किया था राधा गोविंद कॉलेज से, करौली डिस्ट्रिक्ट में, हिंडोन सिटी है एक कस्बा, तो वहीं से ये करौली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में। जी, तो वहीं से मैंने अपना आईटीआई किया था। उसके बाद घर की कंडीशन भी कुछ ऐसी थी कि साथ साथ मैं काम भी मैं करता था और अपनी फील्ड में मैं काम करना चाहता था, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैंने काफी कोशिश की बट इतना नहीं हो पाया। तो साथ में मेरे अंकल की दुकान पे भी मैंने काम किया है, यही फ्रिज वगैरह का, एंड इसके साथ साथ इवेंट के भी हम काम किया करते थे। तो फ्रेंड के साथ भी, कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी का काम किया करते थे, उनके साथ भी मैंने काफी काम किया है। तो राजस्थान में ये काम मेरे लिए कंटिन्यू नहीं हुआ करता था, एज ए पार्ट टाइम ये था। तो अचानक से मुझे जॉब के बारे में पता लगा, फिर मैं दिल्ली आया, तो तब से ही मैं यहाँ पर ये अपना काम कर रहा हूँ। अच्छी खासी मुझे 25-30 सैलरी मिल जाती है। संजय, हमारे जो श्रमिक के व्यूवर्स हैं वो ज्यादातर आईटीआई और डिप्लोमा फ्रेशर्स हैं, तो आप उनको ये बताइए कि कैसे आपको यहाँ पे जॉब कैसे मिली? मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं भी फ्रेशर ही था, तो अचानक से पहले भी मैंने वीडियो देखी थी श्रमिन की यूट्यूब पर, एंड जब मैं दिल्ली आया तो छोटा मोटा मैं काम करने लगा, एंड फिर से मैंने जब भी यूट्यूब देखता तो काफी बार मैंने इसकी वीडियो देखी है, तो अचानक से फिर मैंने सोचा मैं इनकी एक बार देख लेता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि अपना अलग आजमाऊँ, मैंने एप्लीकेशन लिया श्रमिन जॉब्स, अपनी प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने जॉब अप्लाई भी की, काफी सारी जॉब भी मैंने देखी थी इलेक्ट्रीशियन की, मेरे ही ट्रेड की, एंड जॉब अप्लाई किया, एंड जॉब अप्लाई करने के बाद मुझे जॉब मिली, तो तब से मैं अच्छी खासी इनकम यहाँ पे कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। जी सर, ठीक है। तो एट लास्ट संजय, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सर यही है कि जैसे कि मुझे भी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, मैं भी फ्रेशर था, एंड मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं जो कि अभी भी आईटी कर रहे हैं और कर चुके हैं, बट किसी को ये नहीं पता है कि वो अगर कर रहे हैं तो इसके लिए वो जॉब कहाँ देखें, क्योंकि लोगों को नहीं नॉलेज है कि उन्होंने ये कर तो लिया है पर इसकी जॉब, वो ओनली यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट मिलेगी तो ऑनलाइन फॉर्म आ गए तो उन्हें भर दिया बस, वरना उन्हें पता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब से मैंने इस पर जॉब सर्च की और जॉब कर रहा हूँ, तो वैसे ही जो कैंडिडेट हैं जो आईटीआई डिप्लोमा कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो श्रमिक जॉब्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने ट्रेड की जॉब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, एंड अच्छी जॉब यहाँ पर मिलती है, और जैसे कि मैं अभी कर ही रहा हूँ, अच्छी खासी इनकम अपनी कर रहा हूँ। तो संजय, मैं होप करता हूँ कि अभी जो भी जितने भी आईटीआई या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा और वो उस चीज को उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल सर, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि अगर वो अपना आईटीआई डिप्लोमा कर भी रहे हैं तो अगर वो जॉब सर्च कर रहे हैं तो भटकने की बजाय वो श्रमिन जॉब्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी से जॉब पा सकते हैं। थैंक यू संजय, थैंक यू, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। श्रमिन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं, आज ही श्रमिन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।